नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। देश में 100 करोड़ वैक्सीन डोज पूरे हो जाने पर जश्न मनाया जा रहा है। कोरोना काल के घातक दौर के बाद अब जीवन दोबारा पटरी पर लौट रहा है और वैक्सीनेशन ही ऐसा सहारा है कि देश में कोविड के आंकड़ों में पहले के मुकाबले कमी आई है। वैक्सीनेशन के 100 करोड़ के आंकड़े पर पहुंचने का जश्न इंदौर स्वास्थ्य विभाग, डॉक्टर्स और वॉलंटियर्स ने मनाया। इंदौर में महावीर ट्रस्ट द्वारा रीगल तिराहे पर विशेष आयोजन कर दीपावली से पहले दीपावली का जश्न मनाया। जिले के टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर तरुण गुप्ता ने बताया कि देश में 100 करोड़ डोज लगाए जा चुके हैं, जो कि एक रिकॉर्ड उपलब्धि है। वहीं उन्होंने बताया कि इंदौर में वैक्सीन की पहली डोज अगस्त माह तक 100% लग चुकी है। वहीं दूसरे डोज की बात की जाए तो अब तक 57% डोज लगाई जा चुकी है, यानी 16,51,000 डोज लगाए जा चुके हैं और ये सब कुछ लोगों के जागरूक होने से ही संभव हो पाया है। वहीं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला इंदौर डॉक्टर बीएस सत्या ने बताया कि लोगों में आई अवेयरनेस के चलते 100 करोड़ के वैक्सीन का टारगेट हासिल किया गया है, जो हर्ष की बात है। उन्होंने कहा कि इंदौर हमेशा टॉप पर रहा है, फिर वो सफाई में हो या वैक्सीनेशन की बात हो। उन्होंने इंदौर में वैक्सीनेशन की तेज रफ्तार के लिए महावीर ट्रस्ट, एनजीओ और जनप्रतिनिधियों का आभार माना। उन्होंने दावा किया है कि इंदौर का सेकेंड डोज का टारगेट 28 लाख बहुत जल्द पूरा कर लिया जाएगा। महावीर ट्रस्ट के अध्यक्ष अमित कासलीवाल ने इस अवसर पर कहा कि देश का टारगेट पूरा होने महावीर ट्रस्ट के कोविड टीकाकरण केंद्र पर जश्न मनाया गया। जश्न के दौरान पटाखे फोड़े गए, दीपक जलाए गए और म्यूजिक के साथ डांस का सेलिब्रेशन किया गया। कासलीवाल ने कहा कि सबकी जवाबदारी बनती है कि लोग पूर्ण रूप से इंदौर में टीकाकरण कराएं। 1100 करोड़ वैक्सीन पूरे हो गए देश, और इंदौर की बात करें तो कितना प्रतिशत? आज पूरे देश में करीब 100 करोड़ डोजेज अभी तक लगाए जा चुके हैं, जो कि एक रिकॉर्ड उपलब्धि है किसी भी देश के द्वारा लगाए गए वैक्सीनेशन में। इंदौर की अगर हम बात करें तो इंदौर में हम 100% वैक्सीन अगस्त में हम कंप्लीट कर चुके थे। अभी तक सेकंड डोज की बात करें तो 57% सेकंड डोज अभी तक हम लगा चुके हैं, जिसमें कि 16,51,000 डोजेज लगाए जा चुके हैं। तो चूंकि वैक्सीनेशन तेज़ी से किया जा रहा है और लोगों में भी अवेयरनेस बढ़ती जा रही है कि वो अपना वैक्सीनेशन कराएँ और इंदौर और देश को सुरक्षित करें। डॉक्टर तरुण गुप्ता, टीकाकरण अधिकारी। देश में भी 100 करोड़ हो गए हैं और इंदौर भी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। अब जो 57% से हमें बचा हुआ करना है, उसको लेकर हम किस तरह की तैयारी कर रहे हैं? नहीं, ये सही बात है कि आज एक बहुत हर्ष का बात है कि कम से कम लोगों में और आम आदमी में जो अवेयरनेस आना था वो आइए, और आज हम लोग कम से कम 100 करोड़ का जो टारगेट था, आंकड़ा जो है वो वैक्सीनेशन में हम लोगों ने उतना टारगेट अचीवमेंट कर लिया है। और इसके अलावा भी जो इंदौर की एक रहा है कि इंदौर हमेशा टॉप पे रहा, चाहे वो सफाई में हो, चाहे टीकाकरण में हो, चाहे कोविड वैक्सीनेशन के इसमें जितना भी रहा है, तो इसमें ये भी देखने में आया कि कोविड वैक्सीनेशन में जो अभी महावीर ट्रस्ट के द्वारा, जो एनजीओ के द्वारा या जनप्रतिनिधियों के द्वारा जो बढ़ चढ़ कर जो भागीदारी कर रहे हैं, उससे आज देख रहे हैं कि कितना उल्लास है। और कोशिश करेंगे कि हम लोगों का जो टारगेट दिया है 28 लाख का जो टारगेट है हमारा सेकंड डोज का भी, तो वो टारगेट हम बहुत जल्दी अचीवमेंट कर लेंगे। और आम जन से भी हमारी अपील यही है कि आप प्लीज़ जहां भी आपके पास में नज़दीकी का केंद्र है वहां पर अपना सेकंड डोज कंप्लीट कराएं, और इस महामारी से आप कम से कम ये है कि जो गंभीर लक्षण आते हैं उससे ज़रूर बचें। जिनका फर्स्ट डोज हो गया है वो लोग प्लीज़ अपना सेकंड डोज ज़रूर लगवा लें, क्योंकि हम ड्यू डोज पर आ गए हैं। मैं डॉक्टर बी एस सत्या, CMHO इंदौर। देखिए, यहाँ पे आज 100 करोड़ का जश्न पूरे ट्रस्ट पे, ट्रस्ट परिसर पे, जहाँ पे कोविड टीकाकरण सेंटर है वहाँ पे हमने पटाखे फोड़ कर, दिए जला कर और ढोलक बजा कर, म्यूज़िक का प्लान करके और डांस करके 100 करोड़ डोज का हम सेलिब्रेशन यहाँ पे कर रहे हैं। सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई और सभी लोगों ने फुल पार्टिसिपेशन किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे बचे हुए डोज के लिए भी, लोगों से अपील करेंगे? जी हाँ, हमारा ये जवाबदारी बनती है कि हम सारे लोग टीकाकरण पूर्ण रूप से टीकाकरण कराएँ, और इसमें सभी को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। मेरा नाम अमित कासलीवाल, अध्यक्ष महावीर ट्रस्ट। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर।